नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है हमारी आंखों के सामने एक क्वेश्चन जो गेट 2013 में आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन 8-बिट नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। मतलब कह रहा पूछ रहा है कि हमारे पास 8-बिट अवेलेबल है और 8 बिट्स में सबसे छोटा इंटीजर हम कौन सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की रेंज तो हमको पता ही है। अगर हमारे पास एन बिट्स अवेलेबल होते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में जो रेंज ऑफ इंटीजर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होती है -2n-1, 2 प्लस 2n-1, -1। अगर हम यहाँ n की जगह पर 8 रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 8 बिट्स में क्या रेंज हम इंटीजर्स की रिप्रेजेंट कर पाएंगे यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। तो हम यहाँ 8 रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा -2n-8, -1, 2 प्लस 2n-8, -1, -1। तो दोस्तों, ये रेंज हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी, यानी कि 8 बिट में टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में हम जो रेंज ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होती है -128 से लेकर +127 तक। और हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो सबसे छोटा इंटीजर होगा दोस्तों -128, यानी कि हमारा जो सही जवाब है वो है -128। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है -128 जो कि है सही जवाब। तो ये दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है, ये गेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द 16 बिट्स टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर इज दिस, इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज। मतलब हमारे सामने एक 16 बिट का ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में है, और हमको ये बताना है कि ये कौन से डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए दोस्तों फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस 16 बिट के टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखें तो हम ये देखेंगे कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB वो है 1, यानी कि हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि साइन तो दोस्तों हमको पता चल गया क्योंकि MSB है 1, तो ये नंबर है हमारा नेगेटिव। ये तो हमको पता चल गया यहाँ पर कि साइन क्या होगा इंटीजर का। अब दोस्तों, क्योंकि ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमको मैग्नीट्यूड नंबर का अगर फाइंड करना है तो हमको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक की मदद से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक जब हम यूज़ करते हैं तो एक्सट्रीम राइट से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ हमको सबसे पहले ही 1 नज़र आ जाता है, तो इस 1 को हमने यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब जैसे ही हमको राइट टू लेफ्ट चलते चलते फर्स्ट टाइम 1 मिला, इसके बाद अब हर एक बिट को हम इन्वर्ट कर देंगे तो ये जो 0 है ये बन जाएगा 1, ये 1 बन जाएगा 0, ये 0, 1, हर एक बिट को हम इन्वर्ट कर रहे हैं, ये 1 बन जाएगा 0, ये 1 बन जाएगा 0, ये भी 0। जब हमने इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया दोस्तों तो हमको ये नंबर मिला। अब यही मैग्नीट्यूड है हमारे नंबर का। तब हम सीधा सीधा इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तब मिलेगा हमको 11। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास है, साइन हमारे पास है, तो जवाब भी हमारे पास है। यानी कि ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -11 को। तो -11 हमारा यहाँ सही जवाब है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को करते हैं यहीं एंड, यहीं करते हैं इसका समापन समारोह। होती है मुलाकात अगले लेक्चर में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।